माँ, अगर आज आप नहीं बोली तो सिर्फ अपना ही नहीं, उन तमाम औरतों का भी नुकसान करेगी जो शायद आपसे भी बदतर जिंदगी जी रही। अगर आज आप नहीं बोली तो ये आत्महत्या होगी माँ, आप अपने वजूद की हत्या करेंगी और उसके साथ उन हर एक औरत की उम्मीद की किरण हमेशा के लिए छीन लेंगी। और अगर आज आपने कदम उठाया वो हर एक औरत के लिए एक मिसाल बनेगी। बेइज्जती हिंसा सहना जिंदगी नहीं और ये किसी भी औरत का धर्म नहीं। औरत तो घर संजोती है, बनाती है, निखारती है, उस पर हाथ उठाना जुर्म है। जुर्म के खिलाफ आवाज ना उठाना उससे भी बड़ा जुर्म है माँ। प्लीज माँ, आज जुर्म के खिलाफ आवाज उठा दो, सब आपके साथ है। दामाद जी, क्या 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 बोल रहे हैं आप? ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। पूरी जिंदगी मैंने आपके जुल्म से, पूरी जिंदगी मैंने आपकी मार कर मेरी बेटी को आपने पैसा बनाने की मशीन पर बना डाला। यहां तक कि उसकी शादी एक गुंडे से करानी चाहिए। मेरी छोटी सी बच्ची को नौकरानी बनाना चाह और मेरे बेटे को खुद के जैसा निकम्मा आवारा। मैं अपने बच्चों के लिए सब सहती चली गई, अब बस अगर मैं आज भी सह गई तो इन बच्चों का कभी कुछ नहीं होगा। मैं आपकी बीवी हूं, अर्धांगिन आपका दुख दर्द आपकी हार बांटना मेरा कर्तव्य है, लेकिन आपकी मार और आपसे अपनी बेइज्जती नहीं। जिस हत्या के पिता ने उसे जीते जी तिलांजलि दे दी हो, जिसके बच्चों को उसके नाम पे शर्म आती हो, मेरा पति होने के लायक मुझे तो क्या किसी भी औरत को ऐसे पति की जरूरत नहीं। ले जाइए, ले चलो इनको। कस्तूरी, क्या हो गया तुझे? गिरीश बेटा समझाना अपनी माँ को। हवलदार साहब, तमा जी आप समझाइए ना। अरे क्या 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 कर रहे हैं हवलदार साहब, इंस्पेक्टर साहब? आप देखिए, सुनिए तो सही मेरी बात, तो सुनिए आप।